राजस्थान के बीकानेर शहर में रहने वाले कलाकारों राम कुमार भादाणी और केशव जोशी ने पीपल के सूखे पत्तों पर देवी देवताओं की तस्वीरें उकेर कर अलग पहचान बनाई है। दोनों पेंटरों ने कैनवास पर पेंटिंग शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पीपल के पत्तों पर पेंटिंग बनाने में महारत हासिल कर ली। उनके मुताबिक पीपल के पत्तों पर रंगीन कलाकारों को हिंदू पौराणिक कथाओं में शुभ माना गया है। भगवान का दृश्य इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे ग्रंथों में मान्यता ये है कि पीपल का वास विष्णु जी का व्यास होता है और भगवानों का वास होता है, तो इस को लेकर हमने इनके ऊपर फिर लक्ष्मी जी, शिरणा जी और गणेश जी के भगवानों को ही स्वरूप दिया गया है। पीपल के जिन पत्तों पर तस्वीरें बनानी होती हैं, उन्हें करीब 15 दिन तक पानी में रखने के बाद सुखाया जाता है। पत्ते जब पूरी तरह सूख जाते हैं तो उनकी ऊपरी हरी परत गायब हो जाती है और ये जालीनुमा यानी नेट की तरह हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तों पर पेंटिंग बनाई जाती है। मैंने पीपल के पत्ते पर एक बार सुनहरी नक्काशी का कार्य किया। वह कार्य पीपल का पत्ता सूख करके खराब हो गया तो मेरे को ये ऐसा लगा कि इसके ऊपर काम हो नहीं सकता। फिर मेरे गुरुजी ने हमें बताया कि इस पत्ते को अगर आप 15 दिन भिगोओगे पानी में तो इसके ऊपर जो ग्रीनरी है वो पानी के होने के कारण गल जाएगी। गलने के बाद एक नेट के रूप में अपन को पीपल का पत्ता मिलेगा, उसके ऊपर आप उसकी जो चित्रकारी करना चाहते हैं वो चित्रकारी कीजिए। राम कुमार और केशव पीपल के सूखे पत्तों पर कई खास पेंटिंग बना चुके हैं। इनमें भगवान विष्णु, गणेश, शिव और देवी लक्ष्मी की रंगीन तस्वीरें शामिल हैं।